राजा कैंप की तस्वीर है। सुया पहाड़ में इस वक्त मौजूद है नेशन न्यूज़ की टीम, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि झाझा के थाना अध्यक्ष राजेश रन खुद यहां पर मौजूद हैं। उनके साथ साथ अभिनेता राजन कुमार, जो कि एक फेमस यूथ आइकन के रूप में जाने जाते हैं पूरे बिहार के लिए, बिहार के लाल कहे जाते हैं, मुंगेर के रहने वाले हैं। और तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। स्वयं थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके तमाम जो जवान है वो सेवा करते काबिलियों की नजर आ रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस बल यहां पर मौजूद है। स्वयं थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके तमाम जो जवान है वो सेवा करते काबिलियों की नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि इस खास मौके पर जमुई इमरजेंसी नहीं बल्कि कई इमरजेंसी हॉस्पिटल के माध्यम से लोगों के बीच अपनी सेवा दे रहे डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, वो भी इस वक्त मौजूद है अपनी मेडिकल टीम के साथ और कावड़ियों की सेवा देते हुए। साफ तौर पर ये स्क्रीन पर दिखती तस्वीरें आप देख सकते हैं, झाझा कैंप की तस्वीरें हैं। मारवाड़ी युवा मंच के द्वारा संचालित किया जा रहा है और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कावड़ियों को सेवा देते नजर आ रहे हैं, चाहे वो पानी के माध्यम से हो या फिर जो पेन स्प्रे है, वो तमाम चीजों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं और लगातार कावड़ियों के बीच अपनी सेवा देते नजर आ रहे हैं। बता दें कि अंतिम सोमवार ही होने वाला है और ऐसे में देर रात की तस्वीरें साझा कर रहे हैं। रविवार की देर रात की तस्वीरें हैं और श्रावण का ये अंतिम सोमवार होगा जहाँ पर तमाम पुलिस के जवान मौजूद है। स्वयं थाना अध्यक्ष भी किस तरह से देख सकते हैं कि सेवा करते लोगों का नजर आ रहे हैं। हालांकि झाझा कैंप के बाद से लगभग 25 से 30 किलोमीटर ही बचते हैं अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए, यानी कि जलाभिषेक करने के लिए। और कहीं ना कहीं कांवरिया जो है उनको कई तरह की परेशानियां होती हैं रास्ते में, लेकिन जो लोगों की सेवा है वो कहीं ना कहीं कांवरियों के लिए एक नई ऊर्जा का काम करती है। ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से प्रशासनिक पदाधिकारी होने के बावजूद भी जो थाना अध्यक्ष है वो मानव सेवा में तत्पर नजर आ रहे हैं। अध्यक्ष राजेश रन हमारे साथ जुड़े। सर आज कहीं ना कहीं दोबारा ये कैंप जो है आपको आकर्षित किया है, सर आप आए और कांवरियों की सेवा की है, सर क्या करेंगे? देखिए, एक तो श्रावण माह का अंतिम सोमवारी के पहले डाक पंप में जाने वाले जो लोग हैं वो जाते हैं तो वो एक दृश्य बड़ा ही सुंदर दिखता है और जिसको देखकर हम लोग अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकते। मुझे ख्याल आया कि आज अंतिम सोमवारी के जस्ट पहले का दिन है तो निश्चित रूप से आज चलना चाहिए और हम लोग की भी कुछ सहभागिता होनी चाहिए। कांवरिया पथ में कांवरिया का दर्शन होगा, महादेव नहीं तो कम से कम महादेव के भक्तों का ही दर्शन हो और उनके भी सेवा में कुछ हम लोग का भी हाथ। तो ये डॉक्टर साहब वगैरह ये सबकी टीम, इन लोगों ने भी राजन जी, हीरो राजन जी जो मुंगेर से आए हैं, तो ये सारे लोगों ने जो बहुत ही जोरदार सहमति जताई तो हमें और बल मिला और हम सभी लोग यहाँ पे आए। बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा यहाँ पे ये लगता है कि सुइया में ये जितने भी अच्छे कैंप हैं यहाँ पे वो सभी झाझा के लोगों का है। सब झाझा के लोग यहाँ करके सेवा प्रदान करते हैं और झाझा हमारी पवित्र कर्म भूमि है तो निस्संदेह बहुत ही अच्छा महसूस होता है। नहीं, उन लोगों ने लगातार इस बार तो दो दो माह का सावन रहा है और वो जितनी भी उनकी सराहना की जाए बहुत कम है और हम लोग व्यक्तिगत रूप से आभारी हैं उनके सेवा भावना को देख करके कि वो लोग जिस तरह से लगातार यहाँ दो महीना सब सेवा में कांवरियों की सेवा में लगे रहे निस्वार्थ भाव से, ये बहुत बड़ी बात है और इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे साथ जुड़े हैं। सर आज सुइया कैंप में पहुंचे हुए झाझा की ओर से लगाया जा रहा है, कैसा महसूस हुआ सर? कि अत्यंत ही आह्लादित हूँ और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है और एक तरह से ये महादेव की असीम कृपा है, अनुकंपा है उनकी कि हम लोगों को मानव सेवा का मौका मिला है। तो हमारा तो क्षेत्र चूँकि चिकित्सीय है तो इसी में हम लोगों से जो हो पाया है, दर्द की दवा या उनका दर्द निवारक स्प्रे वगैरह जो भी होता है
हम लोग एक तुच्छ सा समान है, ऐसे तो महादेव का नाम लेने से भक्त के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। बावजूद इसके हम लोगों से जो उपलब्ध हो पाया है, हम लोग तन मन धन सबसे हमेशा लगे रहते हैं। उनकी तो बात ही निराली है, और थानाध्यक्ष महोदय की मतलब लगातार हमेशा समाज सेवा में, मानव सेवा में हमेशा से बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और मैं उनको हार्दिक मतलब आभार उनके प्रति व्यक्त करता हूँ कि अपने इस पुनीत कार्य में हमें हमेशा सहभागी बनाते रहते हैं। कई सारा सर सोशल वर्क देखा गया है, बड़ा से बड़ा, जिसमें आप दोनों का ट्यूनिंग कुछ ज्यादा देखने को मिलता है। ये देखिए, ये भी महादेव की माया है कि जहाँ दिल मिलता है वही हर मतलब तन भी दिखाई देता है। तो ये पुनीत कार्य करने के लिए उन्होंने चुना है, और ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग एक बड़े भाई छोटे भाई एक जगह मिल जाते हैं। तो बाकी लोगों के लिए अगर संदेश हो, सब लोग इस तरह से मिलकर कार्य करें तो भला तो अंत में मानव का ही होगा। लोकप्रिय अभिनेता राजन कुमार हमारे साथ। राजन जी, क्या महसूस किया आप? बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। नेशन न्यूज देख रहे तमाम शिव भक्तों को मैं ये कहना चाहूंगा कि कमाल का मौका था। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने कप्तान का जो राजेश शरण साहब हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जी का कि ये लोग क्या करते हैं भाई। मैं पहली बार आया हूँ, उनको जब मैंने जो डाक बम है उनके पीछे भागते हुए देखा, उनके पैर में स्प्रे लगाते हुए देखा, उनको पानी पिलाते हुए देखा, तो मुझे लगा अरे यार ये लाइफ मतलब अपने ऑफ ड्यूटी में आप अगर इस तरह का समाज सेवा करते हैं तो वाकई इसलिए तो भारत पूरी दुनिया में जाना जाता है और विश्वगुरु बनने वाला है, क्योंकि यहाँ के हर लोग शिव भक्त हैं, वो शिव की महिमा में खो जाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, और इससे बड़ा सेवा कोई हो ही नहीं सकता है। मैं आज सौभाग्य से हम लोग के बीच इस कांवड़िया सेवा शिविर में झाझा थाना के जामबाज और थाना प्रभारी श्री राजेश शरण जी भी हम लोग के बीच उपस्थित है, और हम लोग के बीच डॉक्टर हर्षवर्धन साहब भी हम लोग के बीच पहुंचे हैं। नमस्ते बिहार के हीरो जो हम लोग के बगल के जिले मुंगेर के निवासी हैं, जो पूरे भारतवर्ष में अपना जलवा मुंगेरिया जलवा पूरे भारतवर्ष में बिखेरने का काम कर रहे हैं, वो भी हम लोग के बीच में उपस्थित है। हम लोग I'm a father.